आइए हम आपको कमल का फूल का रेसिपी का सब्जी बनाने के बताते हैं। इसके लिए कमल के फूल के पत्ती को अलग कर देंगे और इसका भी पत्ते को पकौड़ी बनाते हैं और इसका डंटी को इस तरह से छील लेते हैं और इस तरह से काट लेते हैं। और इसका मसाला आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको इसका मसाला बताते हैं। इसके लिए लगेंगे लहसुन, गोलकी, जीरा, धनिया, मिर्चा, सरसों। देखिए दोस्तों, मसाला हमने रेडी कर लिया है। इसमें एक टमाटर भी काट कर देंगे। दोस्तों आइए हम आपको कमल के फूल के पत्ती को पकौड़ी बनाने के लिए बताते हैं। हमने इसमें अरवा चावल को मिक्सी में पीस कर इसमें लहसुन, मिर्चा, गोलकी, जीरा डाले हैं और इसमें अब थोड़ी सी बेसन डालेंगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसको मिलाएंगे, खूब अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। अब मिला लिए इसको, अब हम मिला लिए और अब तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें पकौड़े बनाएंगे कमल का फूल का। इसे अच्छे से मिलाकर इसको गरम तेल में छान देंगे। और इसको एक एक करके अच्छे से डालेंगे। अब ये तैयार है, अब इसको निकाल देते हैं। इस पकौड़ों को हम लोग घरेलू भाषा में बचका भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कमल फूल का पकौड़ा तैयार है। इसको चावल के साथ भी खाया जाता है, चटनी के साथ भी खाया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम कमल का फूल का डंटी का सब्जी बनाते हैं। इसके लिए पहले हम इसमें थोड़ी सी सरसों डालते हैं और इसके बाद इसमें थोड़ी सी भुन जाए तो इसमें कमल फूल का डंडी डाल देंगे और इसको फिर अच्छी तरह से भून देंगे और भूनने के बाद इसमें मसाला डालेंगे और मसाला डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से भून देंगे। फिर अच्छी तरह से भून कर इसमें थोड़ी सी पानी डालते हैं और फिर उसके बाद सूख जाने के बाद इसको डाल देते हैं। बड़ा ही इसका सब्जी स्वादिष्ट लगता है। इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, कढ़ी के साथ खाया जाता है। जब तक पानी सूख ना जाए तब तक इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे। तब इसके बाद भूनने के बाद इसमें मसाला, जो सारी मसाला है उनको उनको डालेंगे। बाद उनको भी अच्छी तरह से भूंजेंगे। भूनने के बाद इसमें पानी, थोड़ी सी पानी डालेंगे और क्या, इसमें थोड़ी सी, जब तक भूंजेंगे जब तक ये पूरी तरह से लाल ना हो जाए। क्या तैयार है। अब इसमें हम पिसे हुए मसाले डालेंगे।
और ये कटे हुए टमाटर भी डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। जब तक भूनेंगे तब तक ये तेल न छोड़ दे। दोस्तों हमारे सब्जी अब तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें ऊपर से थोड़ा सा नारियल, कच्चा नारियल डाल देंगे। कटा हुआ नारियल डालते हैं, इससे इसकी स्वाद बढ़ जाती है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। दोस्तों इसको चावल के साथ खाइए, रोटी साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों अब हमारा कमल फूल का सब्जी, टंटी का सब्जी तैयार है और उसके पत्ते को, फूल के पत्ते को पकौड़ा तैयार है। अब इन्हें सर्व करने के लिए तैयार है।